चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक। A few moments later, आपको फोन पे पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको टाइप करना है फोन पे, जो आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इसे पहले इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसे मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। कुछ सेकंड्स का वेट करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एंटर योर मोबाइल नंबर। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि फोन पे पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि जो बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो गाइस मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसेस्ड का, तो आपको इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंटर द 5 डिजिट OTP सेंड टू आपका मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो गाइस OTP डालने के बाद में आपको सिंपली नीचे देख सकते हैं वेरीफाई का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप OTP डालकर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग योर फोन पे अकाउंट। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स का फिर से वेट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्कैन एंड पे, और यहाँ पर एक नीचे एक ऑप्शन है नेक्स्ट, तो इसके ऊपर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। और नेक्स्ट के बाद में यहाँ पर नीचे फिर से आपको नेक्स्ट पर करना है। यहाँ पर आपको 4 बार देख सकते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस यहां पर आपको अपना कंप्लीट अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको 2 स्टेप्स फॉलो करना है। पहला स्टेप यह है कि आपको अपना KYC करना है, और दूसरा यह है कि आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अपनी KYC कैसे कर सकते हैं। तो गाइस यहां पर KYC करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं मेनू बार के ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर ही ऊपर आपको यहां पर देख सकते हैं यूजर डिटेल्स हैं, जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहां पर आ जाएगा। और यहां पर 2 ऑप्शन है ऐड डिटेल्स और एक है ऐड ईमेल, तो आप यहां पर ईमेल भी ऐड कर सकते हैं अपना। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहां पर नीचे एक ऑप्शन आता है KYC डिटेल्स, तो यहां पर देख सकते हैं नीचे प्लीज कंप्लीट योर KYC और आगे लिखा हुआ वेरीफाई। तो यहां पर आपको वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ सेकंड्स के बाद में यहां पर देख सकते हैं कंप्लीट KYC। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं बैलेंस 0 दिखा रहा है, और कंप्लीट KYC के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहां पर मैं सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा आपको KYC कैसे करनी है और मैं कैसे करता हूं। तो गाइस KYC करने के लिए यहां पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, तो ड्राइवर लाइसेंस है, तो इसके ऊपर आपको यहां पर देख सकते हैं साइड में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, नरेगा जॉब कार्ड नंबर लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट और पैन कार्ड। तो मान लीजिए गाइज मैं यहाँ पर वोटर आईडी पे ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपको वोटर आईडी नंबर यहाँ पे डालना है और वोटर आईडी नेम, जो वोटर आईडी के अंदर नेम हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं वेरीफाई, तो इस कंप्लीट फिलअप करने के बाद में वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका कंप्लीट KYC हो जाएगा। तो गाइज ये बहुत अच्छा आसान तरीका है KYC करने का। तो गाइज KYC करने के बाद में मैं फिर से आ चुका हूँ बैक। बैक आने के बाद में अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर एक ऑप्शन डायरेक्ट आपको दिया जाता है कि ऐड बैंक अकाउंट, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ सेकंड्स के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पॉपुलर बैंक है, जैसे यस बैंक हो गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये बैंक आपके सामने आ चुके हैं। और नीचे भी आपको कंप्लीट बैंक की लिस्ट मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक्स भी है, तो कंप्लीट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और यदि फिर भी नहीं मिलता है तो ऊपर देख सकते हैं सर्च बैंक, तो सर्च बैंक में आपका जो बैंक का नेम हो वो आप डाल दे, वो बैंक आ जाएगा। अब गाइज मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, मान लीजिए मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, SBI में मेरा अकाउंट है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मेरे को दिखाई देंगे, वोडाफोन और एयरटेल, तो मेरी 2 सिम लगी हुई है, तो जिस भी सिम से आपको करना है तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस सिम से आप क्रिएट करते हो अपना अकाउंट, तो उस सिम से ही मतलब आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, तभी जाके आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक OTP सेंड करेगा आपके मोबाइल नंबर पर।
तो जो आप मोबाइल नंबर पर OTP सेंड करेंगे उसको आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। डालने के बाद में यदि आपने पहले कोई UPI पिन जनरेट कर रखे हो, जैसे गूगल पे का अकाउंट बना रखा हो, तो वो सेम UPI रख सकते हैं, वरना आपको जो डेबिट कार्ड होता है, मान लीजिए वीजा डेबिट कार्ड हो, रुपये डेबिट कार्ड हो, तो उसकी डिटेल आपको कंप्लीट फिलअप करने के बाद में उसके बाद में आपको क्या करना है गाइज, UPI पिन यदि आप पहली बार हो तो 6 डिजिट का आपको UPI पिन जनरेट कर लेना है। और जनरेट करने के बाद में गाइज सिंपल सा स्टेप है, आपको ओके पे कर देना है क्लिक, और जैसे आप इतना कुछ करोगे तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। गाइज ये सिंपल स्टेप्स थे, आपको कुछ भी नहीं करना, 2 स्टेप आपको फॉलो करना है और आपका एक अकाउंट तैयार हो जाएगा। और गाइज इसके अंदर और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको डीपली जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप 2 चीज़ें कंप्लीट करोगे आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा।